तो मैं वेब ऑफ कॉरिजन अकेडमी में स्वागत करता हूँ। इसके पहले मैंने जो मिलिंग मशीन का क्लैम्पिंग सरफेस होता है उसका लॉन्जिट्यूडनल और ट्रांसवर्स मूवमेंट में आप उसका पैरलिज्म कैसे चेक करते हो वो दो वीडियो अपलोड किए हैं। उसके बाद लेथ मशीन के भी कुछ वीडियोज़ है, ड्रिलिंग मशीन के वीडियोज़ है, मशीन टूल टेस्टिंग जो चैप्टर है आपका उसका बेसिक के भी कुछ वीडियोज़ है। जैसे आपका दो प्लेन का पैरलिज्म चेक करना है या दो एक्सिस का चेक करना है या एक्सिस टू प्लेन करना है, इसके भी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं, वो आप देख सकते हो। और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि ट्रू रनिंग ऑफ इंटरनल टेपर ऑफ मेन स्पिंडल। जैसे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपका मेन स्पिंडल है, ये मेन स्पिंडल बराबर रोटेट हो रहा है क्या। इसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक मैंड्रिल लिया है 300 mm का और उसको क्या है इंटरनल शैंक टाइप अरेंजमेंट है उसका। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मेन स्पिंडल में वो अटैच कर दिया। फिर डायल इंडिकेटर का जो बेस है यहाँ पे टेबल पे है। फिर मैंने पोजीशन ए पे मार्किंग किया है। पोजीशन ए पे क्या करूँगा, मैं डायल इंडिकेटर का जो मेरा पॉइंटर है प्लंजर में वहाँ पे टच कर दूँगा और फिर ये मैंड्रिल को मैं रोटेट करूँगा। रोटेट करने के बाद यहाँ पे जो रीडिंग आता है मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लूँगा। फिर वापस ये जो डायल इंडिकेटर है इसका पोजीशन शिफ्ट करके मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बी पे लाऊंगा। बी पे लाने के बाद यहाँ वापस यहाँ पे मैंडल में रोटेट करूँगा। रोटेट करने के बाद यहाँ का भी रीडिंग मैं नोट डाउन कर लूँगा। तो ये रीडिंग 0.03 आया है और ये रीडिंग 0.02 आया है। तो अगर ये रीडिंग इतना है तो आपका मिलिंग मशीन ओके, मतलब इंटरनल रनिंग ट्रू रनिंग जो है आपका मेन स्पिंडल का वो ओके है, ऐसे आप कंसिडर कर सकते हो। ऐसा ये टोटल वीडियो था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।